प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरे एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरे एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। सभी युवा भाई बहनों को मेरा जय सु। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं युवा तरंग में। ये कार्यक्रम आपका है, आप इसकी सफलता के लिए निरंतर प्रार्थना करें और प्रयत्न करें। हम जल्दी ही चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं और ये चालीसा काल हमारे लिए प्रभु के दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के पर्व को मनाने के लिए तैयारी का समय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चालीसा काल में प्रभु के करीब आने का प्रयत्न करें। हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी कई प्रकार की गलतियां करते हैं। गलती करना तो हम मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हमें इस समय प्रभु से माफी मांगकर फिर एक बार प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है। युवावस्था एक अवस्था है जब हम लोग बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, हमारी भावुकताएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। ऐसे में हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्षमा प्राप्त करके प्रभु के करीब आने का समय है चालीसा काल। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चालीसा काल में कुछ ज्यादा प्रार्थना करना, कुछ ज्यादा वचन पढ़ना, कुछ ज्यादा बुरे बुरी संगति और बुरी आदतों से बाहर रहना। अगर आपको अश्लीलता में डूबने की आदत है, अश्लील चित्र देखना, चलचित्र देखना, अपने को उससे बचाए रखिए। नशे की आदत है, नशे से बचा के रखिए। गलत और गंदे रिश्ते हैं, गंदे गंदे वार्तालाप करने की आदत है, बंद कीजिए। प्रभु को एक मौका दीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। इस चालीसा काल वास्तव में प्रभु को कार्य करने के लिए अवसर देने का समय है। आप में से कई लोग अभी अभी शादी किए होंगे या शादी करने वाले हैं।
विवाह एक संस्कार है और वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। वैवाहिक संबंध को बनाए रखना, वैवाहिक जीवन को ईमानदारी से निभाना कठिन होता है। ऐसे में हमें पवित्र वचन के सहारे की जरूरत है, प्रभु के इशारे की जरूरत है। आज वैवाहिक संबंध के बारे में आपको फादर संदीप वचन सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। सब जय यीशु, युवा तरंग में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है हमारा वैवाहिक जीवन कैसा हो। क्रिस्म प्रिया भाई और बहनों, आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, विवाह को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। हर कोई सोचता है कि विवाह एक आजकल जैसे हम सुबह कपड़े पहनते हैं, सुबह उतार शाम को उतार देते हैं कि गंदे हो गए हैं। आजकल देखते हैं बहुत सारे पति पत्नी कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। इन सब चीज़ों के विपरीत प्रभु हमें कुछ बताना चाहते हैं और उसी के विषय में मैं आज आपके सामने हूँ कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा हो। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी का शादी होता है तो उसके लिए एक बिचौलिया होता है कि दो परिवारों को जोड़ने के लिए। सबसे पहले ईश्वर ही बिचौलिया बना, मीडिएटर बना। गॉड इज द ऑर्डर ऑफ मैरिज, गॉड इज द फर्स्ट ब्रोकर ऑफ मैरिज। उन्होंने क्या किया, ईश्वर ने आदम के लिए एक सहायक को चुना, उसको बनाया, गढ़ा और उसको प्रदान किया। उसके लिए प्रभु ने एक साथी को चुना, जीवन साथी को। और इस प्रकार हम देखते हैं इब्राहिम, नूह और उनके परिवार के बारे में। फिर हम देखते हैं इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा के बारे में। अन्य बहुत सारे परिवार हैं बाइबल में जिनको प्रभु ने बहुत आशीष दी, वे मरण तक एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहे। और आज इसी के तहत ईश्वर हमसे कहते हैं, प्रभु येसु सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 19 पद संख्या 6 में कहते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग ना करे। क्रिस्म प्रिया भाई बहनों, हो सकता है आपके दो परिवारों ने आपको जोड़ा है, हो सकता है जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ आपको कोई अपना जीवन साथी पसंद आया, घर में बताया, या लव मैरिज हुआ तौर तरीके के साथ। तो कैसे भी हो प्रभु ने आपको जोड़ा है, ये विश्वास करना है कि ईश्वर ने आपको जोड़ा है अलग होने के लिए नहीं, जीवन भर एक साथ निभाने के लिए। इसलिए प्रभु येसु कहते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। और विशेष रूप से हम पढ़ते हैं तोबित के ग्रंथ में अध्याय 7 पद संख्या 11 में, वहां प्रभु का वचन कहता है विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है और नींव पहले ईश्वर ने डाली है। तो सबसे पहले विवाह स्वर्ग में निर्धारित किया जाता है और धरती पर हम उसको पूरा करते हैं। और आपको यह भी विश्वास करना है कि जो वैवाहिक संस्कार है ये कोई आम संस्कार नहीं है, ये एक बुलाहट है। जैसे पुरोहित धर्म बहन जो बनते हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं, उनकी एक बुलाहट है, वे अपनी बुलाहट को पहचानते हैं और ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। वैवाहिक संस्कार भी माता कलीसिया में एक बुलाहट है जिसके लिए ईश्वर आप सबको बुलाते हैं। और आप में से कुछ लोग निर्णय लेते हैं वैवाहिक संस्कार में लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, और आपको इसको बड़ी गंभीरता से समझना है। ये एक संस्कार है, यानी कि इस संस्कार के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी कृपाएं प्रदान करेंगे। आपको पति पत्नी के जीवन में, दंपत्य जीवन में, माँ बाप जब बनेंगे तब आपके जीवन में, और जब तक आप जीवित हैं प्रभु आपको आशीर्वाद देता रहेगा। वो अनुग्रह, वो कृपा हमें इसी संस्कार से, वैवाहिक संस्कार से मिलती है। और इसलिए हमें वैवाहिक जीवन को मजाक में नहीं लेना है, बल्कि इसको गंभीरता से लेना है कि इसमें ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर का अनुग्रह है। और किसी एक बिशप फुल्टन जेशिन ने कहा है कि यहाँ पर तीन व्यक्ति शादी करते हैं, कौन है, पति पत्नी और प्रभु येसु। आप प्रभु येसु के साथ भी जुड़ते हैं जैसे आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो येसु आपके परिवार में रहता है, तो येसु आपके दंपत्य जीवन में होना बड़ा जरूरी है। और उससे भी बेहतर, हाँ दौड़ लगी है कि मुझे उससे शादी करनी है,
आजकल तो क्या है, 10वीं 12वीं में बच्चे आते हैं तो उनको किसी के साथ प्यार हो जाता है, वो सोचते हैं कि मुझे इसी के साथ जीना है। वो एक क्या है, भावनाओं में खो जाते हैं। हमें भावनाओं में खोकर गलत निर्णय नहीं लेना है। शादी एक गंभीर संस्कार है, इसको सोच समझ कर, समझते हुए, इसके उतार चढ़ाव को, सब चीज़ों को समझते हुए इसमें कदम उठाना है। और आज जो आप नौजवान हैं, आप इमोशनल हैं, आपके अंदर भावनाएं हैं, आप ज़्यादातर अपने बुद्धिमत्ता से नहीं, भावनाओं से चलते हैं, इसलिए कभी कभी हम मार खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, दुखी रहते हैं, मन टूट जाता है, फिर किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। ये सब को क्या करना है, प्रभु को समर्पित करना है और अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होना है कि सही निर्णय लेने के लिए केवल पवित्र आत्मा ही हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए माता कलीसिया बताती है, जो हमारी माता कलीसिया का कानून है, जिसको हम कैनन लॉ कहते हैं, उसके नंबर 1055 में, 1055 में लिखा है, शादी के तीन उद्देश्य हैं। ज़्यादातर हम नहीं जानते कि शादी क्या है, क्या उद्देश्य है, बस लगता है कि हमें एक लड़का लड़की को जुड़ना है, बस हो गया सब। नहीं, माता कलीसिया बताती है कि शादी के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर वन जो उद्देश्य है कि हमें एक दूसरे के पूरक बनना है, हमें एक दूसरे के सहायक बनना है। यू आर कॉल्ड टू बिकम कंपेनियन फॉर ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे के लिए कंपेनियनशिप को निभाना है, दोस्ताना को निभाना है, एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे के विरोधी नहीं बनना है। मगर ज्यादातर क्या होता है, शुरू शुरू में भावनाओं में खोकर सब कुछ अच्छा लगता है, फिर कुछ नहीं बोलते, सब कुछ अच्छा बोलते हैं, मगर कुछ समय के बाद ये सहयोगी ना बनकर हम एक दूसरे के ही विरोधी हो जाते हैं। आज बहुत सारे परिवार टूट गए इसी कारण कि वो भूल जाते हैं कि शादी का पहला उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को सहयोग देना, ना कि एक दूसरे का विरोध करना। तो इसलिए आज माता कलीसिया हमें बताती है, हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे का सहयोग देना है। और हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र में, अध्याय 7 में, प्रसंग 15 और 16 में, संत पौलुस कहते हैं कि पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी के मुक्ति का कारण बने, और पत्नी की जिम्मेदारी है कि वह अपने पति के मुक्ति का कारण बने। अर्थात आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। चाहे आपका पति बियक्कड़ है, नशेड़ी है, कुछ नहीं करता है, चाहे आपकी पत्नी वफादार नहीं है या काम नहीं करती घर का, इसके बावजूद भी इससे ऊपर उठकर आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु का जो वचन है कि आपको एक दूसरे के मुक्ति का कारण बनना है, एक दूसरे के कल्याण का कारण बनना है। तभी होगा जब आप यीशु को अपने दाम्पत्य जीवन में मिलाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, और इसी प्रकार आपको एक दूसरे के मुक्ति का कारण बनना है। और इसका यह मतलब नहीं है कि आज फादर ने बताया कि मुक्ति का कारण बनना है एक दूसरे के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आज छुरा लेके एक दूसरे को भोंप दो कि चलो मुक्ति प्राप्त करो। नहीं, ये क्या है, दिनचर्या में आपको एक दूसरे को सहन करना है, एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे को प्रेम करना है, और इस प्रकार आप एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग दे पाएंगे और एक दूसरे के मुक्ति का कारण बन पाएंगे। संत मोनिका, सेंट रीटा, बहुत सारे हमारे माता कलीसिया में संत हैं जो पारिवारिक जीवन जिए और वहाँ से संत बने। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे का सहयोग दिए, एक दूसरे को प्रेम किया, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहे। तो वो पहला सहयोग आपको एक दूसरे के प्रति देना है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, जो भी करेंगे काम, आप दोनों को सहयोग देना है। दूसरा जो इस शादी का, वैवाहिक जीवन का उद्देश्य है, वो है संतान को जन्म देना। आज कुछ माँ बाप हैं बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते हैं, अगर देना भी चाहते तो एक या दो देना चाहते हैं। फिर कुछ माँ बाप हैं जिनको आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, चलो उनको देखो कितने उदास, कितने परेशान रहते हैं, वे रोते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें एक संतान का वरदान मिले। और आप जिनको आशीर्वाद मिलेगा या मिला है संतान का, उसको जन्म देना है, उसको ईश्वर का वरदान के रूप में ग्रहण करना है, एक धर्मी संतति को पैदा करना है। एक बार मेरे, मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ, एक दंपति आए थे, अन्य धर्म से संबंधित हैं, वे लोग
सुनकर आए यहाँ पर, उन्होंने कहा फादर जी प्रार्थना कर दीजिए। मैंने पूछा क्या हुआ, बोलते फादर जी प्रार्थना करिए, एक हफ्ता हो गया है, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, काफ़ी बड़े हो गए, 18-20 साल के हैं, और मेरे पति को कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, मैं एक महीने से बीमार हूँ, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तो बड़ा तरस आया, मैंने उनको कहा आप गिरजाघर में बैठो, मैं भी आता हूँ। उनको गिरजाघर में बिठाया, मैं अपने कमरे में गया, वस्त्र धारण किया जो हमारे धार्मिक वस्त्र हैं, चौगा पहना, फिर मैंने पवित्र क्रूस लिया, पवित्र जल लिया, वहीं पे बैठ के मैंने प्रार्थना किया थोड़ा सा, फिर गिरजाघर में आके मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, उनको बोला मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराओ, फिर वो प्रार्थना दोहरा रहे थे। फिर अंत में मैंने उनके सिर पर हाथ रखने के लिए सोचा, आप विश्वास करेंगे कि प्रेरित चरित्र में लिखा है जब जब पेत्रुस पौलुस अन्य प्रेरित किसी के सिर पर हाथ रखते थे तो उनको पवित्र आत्मा मिल जाता था। उसी विश्वास के साथ मैंने इसी दंपत्ति के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, मैंने उसके पति पर हाथ रखा पहले, फिर उसकी पत्नी पर हाथ रख के प्रार्थना किया। जब मैंने उनकी पत्नी पर हाथ रखा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एकाएक प्रभु का दर्शन मिला। उस दर्शन में क्या देखा कि एक नए शिशु का जन्म हो रहा है, और ये देखकर अंदर ही अंदर मैं बेचैन हो गया, घबरा गया कि इसका तात्पर्य क्या है। कभी मुझे पहले ऐसे प्रभु का दर्शन नहीं मिला था प्रार्थना में। और मैंने प्रार्थना समाप्त करके उनको मैंने एक ऑफिस में बिठाया, मैंने बोला आप बैठो मैं अभी आता हूँ। फिर मैंने उनको कुछ धनराशि दी कि आके जाके कुछ खरीद लेना घर के लिए, मगर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता रहा कि इसका तात्पर्य क्या है इस दर्शन का, क्योंकि अंदर बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे बहुत दुख लग रहा है अंदर, मगर क्या इसका मतलब है नहीं मालूम। फिर आप मानेंगे यीशु ने कहा है कि आप घबराओ नहीं, समय पर तुम्हें पवित्र आत्मा बताएगा क्या बोलना है। मैं उनके पास आकर बैठा और मैंने तुरंत उस पत्नी से कहा कि मुझे आपसे एक सवाल करना है। तो उन्होंने बोला फादर जी कुछ भी पूछिए। मैंने बोला क्या आपने कभी गर्भपात किया है? वो औरत ने तुरंत कहा हाँ फादर जी 5 बार किया है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु कितना दयालु करुणामय है, सब कुछ जानता है, सब कुछ लेखा रखता है। और वो उस बेटी से उस पत्नी से वो चाहता था कि वो उसको माने, उस गलती को स्वीकार करे। तो मैंने उसको कहा कि जो आपके जीवन में दुख आया है उसका एक ही कारण है, आज प्रभु ने प्रकट किया कि आपने जो गर्भपात किया है, आपने जो हत्याएं की हैं 5 बार, आप जो हत्यारे बन गए हैं, उसके लिए जाके फिर से गिरजाघर में जाके प्रभु के सामने रो, गुहार लगाओ, पाप क्षमा मांगो। और वे गए, अब कम से कम 4-5 महीने के बाद उनके घर में सब कुछ ठीक होने लग गया। किसमें प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूँ, आपको अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले माता कलीसिया बहुत कुछ सिखाती है। हर डायसिस में मैरिज प्रिपरेशन कोर्स होता है, उसको में भाग लेना है आपको। आपको बताया जाएगा कि फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, ये कॉन्ट्रासेप्शन माला जी जो टैबलेट होती है जो गर्भपात को रोकने के लिए, इन सब के प्रति माता कलीसिया विरोध करती है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, आपको औपचारिक रूप से नेचुरल प्रोसेस के अनुसार अपने पारिवारिक जीवन का एक निर्णय लेना है कि बच्चों को कब किस समय जन्म देना है, और गलत इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए प्रभु का दूसरा उद्देश्य है शादी का कि बच्चों को जन्म देना है, उनकी हत्या नहीं करना है, भ्रूण हत्या नहीं करना है, चाहे वो लड़की है या लड़का है उसको जन्म देना है, क्योंकि वो ईश्वर का आपके लिए वरदान है। और आप क्यों जन्म दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको वो आशीर्वाद दिया है कि आप प्रभु के साथ सह सृष्टिकर्ता बनते हैं। यू आर बिकमिंग को क्रिएटर विद गॉड। आपको प्रभु ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि आप प्रभु के साथ मिलकर एक नई सृष्टि की सृजनहार बन जाएंगे। तीसरा उद्देश्य है कि जिस संतान को आप वरदान के रूप में लेते हैं उसको सही उचित समय पर शिक्षा दीक्षा देना है। अब ये मतलब नहीं है कि बच्चों को जन्म दे दिया तो चलो गली में छोड़ दो पल्ले बल जाएंगे, नहीं, उसको जब तक जीवित है माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको सही मार्ग पर सही शिक्षा देना बड़ा जरूरी है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ में कि प्रभु ने बहुत सारे उदाहरण है वहाँ पे कि जो पारिवारिक जीवन जीते थे,
मगर उससे भी बढ़कर हम एक उदाहरण पढ़ते हैं जहां प्रभु स्वयं कहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, आपका वैवाहिक जीवन पवित्र और अदूषित हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आपका वैवाहिक जीवन पवित्र और अदूषित होना है। ये जो भी आपने गलत चीजें पहले देखी हैं, गलत चीजें सुनी हैं, आपके दोस्तों से गलत चीजें सुनकर बैठे होंगे, उन सब चीजों को आपको साफ करना है, निकालना है दिमाग से, एक सच्चा पाप स्वीकार करके उसको आपको आपको तैयार करना है, किस संस्कार में पवित्रता के साथ प्रवेश करना है, अपने पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को पवित्र रखना है और अदूषित रखना है। किसी भी प्रकार की गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। अपना जो बेडरूम है उसको पवित्र रखना है। यही प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि आपका वैवाहिक जीवन पवित्र और शुद्ध और अदूषित होना चाहिए। और मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, आई हेट डिवोर्स, प्रभु तलाक से घृणा करता है। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, कभी भी ये मन में नहीं सोचना है कि मुझे तलाक करना है, मुझे इससे छुटकारा पाना। नहीं, आपको जिससे भी शादी हुई है प्रभु की योजना रही है, स्वर्ग में पहले ही वो व्यक्ति आपके लिए निर्धारित किया गया था। और दूसरी बात याद रखिएगा कि आपकी शादी किसी संत के साथ नहीं हुई है और ना आप संत हैं, आपकी शादी एक पापी के साथ हो रही है और उसको पापी नहीं देखना है, खुद को भी देखना है कि मैं भी पापी हूँ। जब ये ज्ञात हो जाएगा आप दोनों क्या बनना है, विनम्र बनना है, विनम्र बनना है एक दूसरे के प्रति। इसको एक परिवार के रूप में लेना कि ये विनम्रता में मुझे आगे बढ़ना है। संत यौन पॉल द्वितीय ने कहा है कि आपका जो परिवार है वो घरेलू कलीसिया है, घरेलू कलीसिया, डोमेस्टिक चर्च। आपको क्या करना, अपने परिवार को एक छोटी सी कलीसिया बनाना है जहाँ यीशु का निवास है, पिता का निवास है, पवित्र आत्मा का निवास है, माता मरियम का निवास है और पूरा परिवार एक स्वर्ग बन जाएगा। तो वैसे अपने परिवार को बनाना है, वैसे ही एक छोटे परिवार से एक बड़ा कलीसिया बनता है, बड़ी कलीसिया बनती है। उसको आपको गंभीरता से लेना है कि मुझे अपने परिवार को एक सुंदर पारिवारिक बनाना है। और कैसा बनाना है परिवार, पवित्र परिवार, जैसा माता मरियम, संत यूसुफ और बालक येसु ने अपना जीवन बिताया। और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, वैवाहिक जीवन एक कवनेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आज आप फिल्मों में देखते हैं, बाहर पढ़ने को मिलता है, आज इन लिविंग इन रिलेशनशिप आ गया है, कोहैबिटेशन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मगर माता कलीसिया इन सब को खारिज करती है और बताती है कि एक वैवाहिक जीवन एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक कवनेंट है। ये प्रतिज्ञा है, एक विधान है जिसको प्रभु ने स्थापित किया था, विधान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए आप जब वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधते हैं तो वो अटूट बंधन है, वो टूटने वाला नहीं है, वो मरण तक आप उसके साथ बंधे रहना है। और जब आप गिरजाघर में, कलीसिया में आके वैवाहिक संस्कार ग्रहण करते हैं, आप लोग दोनों एक अंगूठी को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को पहनाएंगे, उसके बाद आप एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं, उस समय वादा करते हैं कि मैं तुझे अपने पति या पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ और मैं मरण तक मैं तुम्हारे सुख और दुख में साथ दूंगा, केवल मृत्यु ही हमें अलग कर सकती है। ये बहुत बड़ा वादा आप माता कलीसिया के सामने करते हैं और इस वादा को आपको मरण तक जीना है। क्रिस्त में प्रिय भाई बनो, इसके अलग नहीं। और इस किसके चलते चलते बहुत बार जब आप वैवाहिक जीवन जिएंगे, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव हो सकता है, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, मगर उस समय क्या करना है, अटैक द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। आप उस समस्या पर मनन चिंतन करना कि उससे कैसे बाहर आ जाए, ना कि उस व्यक्ति को चोट पहुंचाते रहो। एक बार ऐसे ही हुआ, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगी, घमासान युद्ध शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करते जा रहे थे। ऐसे करते करते पति को लगा कि मैं तो नहीं जीत पा रहा हूं अपनी पत्नी पर। उसने क्या किया, उसके माँ बाप को गालियां देने लग गया। ये सुनकर वो पत्नी को रोना आ गया कि मुझे जो कहना है बोलो, मेरी माँ बाप को क्यों गालियां देते हो। तब उसने कहा, देखो जब घर में कोई फ्रिज लाते हैं या कोई मशीन लाते हैं या कुछ भी घर में लाते हैं सामान, अगर वो खराब हो जाता है तो हम मशीन या फ्रिज को या कूलर को गाली नहीं देते हैं, हम तो कंपनियों को गाली देते हैं।
तो तात्पर्य क्या है? वो उसके माँ बाप को गालियां दे रहा था। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? समस्या पर ध्यान देना है, ना कि उस मनुष्य पर अटैक करना है, उसको दोषारोपण करना है, तभी आप इस सभी समस्याओं पर विजयी हो पाएंगे। और साथ ही साथ किसमें प्रिय भाई बहनों, एक और मैं आपसे एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपको एक दूसरे को क्या करना है? सुनना है। जब तक आप एक दूसरे को नहीं सुनेंगे, आपके अंदर प्रेम नहीं बढ़ेगा, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं अंत में, कि आपको ये प्रण लेना है आज कि मैं अपने पति पत्नी, आपके अपने जीवन साथी को, चाहे वो कितना भी बोले, कितना भी कुछ भी शेयर क्यों ना करे आपसे, आपको क्या करना है? धीरज के साथ सुनना है। सुनने से क्या होगा? समझदारी उत्पन्न होगी। समझदारी उत्पन्न होगी तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो ये तीन बातों को आपको अपने पल्लू में बांध लेना है, गांठ बांध लेनी है कि मैं अपने जीवन साथी को सुनूंगा, समझूंगा और समस्या का समाधान भी पाऊंगा। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं जो पोप फ्रांसिस ने हमें कहा है, तीन मैजिकल वर्ड्स, ये तीन जादू के वर्ड हैं जो आप शब्द हैं जो आपके अपने परिवार में इस्तेमाल करना है। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। पोप फ्रांसिस कहते हैं अमोरिस लताशा के पत्र में, सबसे पहले आपको एक दूसरे को समय समय पर थैंक यू बोलना है। थोड़ा सा पानी भी पिला दिया, या घर में कुछ अच्छा खाना बनाया है, कुछ अच्छा काम हुआ है, आपको एक दूसरे को क्या करना है? माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों को एक दूसरे को थैंक यू बोलना है। दूसरा, अगर कुछ गलती हो जाती है, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आई एम सॉरी। तीसरा है एक्सक्यूज मी। ये तीन शब्द पोप फ्रांसिस कहते हैं आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके परिवार से बहुत सारी जो गलत फहमियां हैं यूं ही दूर हो जाएंगी। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं जो पोप फ्रांसिस ने कहा है कि आपके हर परिवार में, आपके दंपति जीवन में और आपके परिवार में एक संरक्षक संत होना बड़ा जरूरी है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, माता मरियम सब आपके साथ है, मगर इसके अलावा पोप फ्रांसिस कहते हैं कि हर परिवार का एक संरक्षक संत होना चाहिए। यू नीड टू हैव ए पेट्रन सेंट फॉर योर फैमिली। तो मेरा आपसे निवेदन है जो शादी करने जा रहे हैं, जिन्होंने कर ली है, कि आप अपने परिवार के लिए एक संरक्षक संत चुनिए और उसको अपने कमरे में उसकी फोटो बना के लगाइए, प्रार्थना करिए उस संरक्षक संत के द्वारा, नित्य निवेदन करिए, मध्यस्थ प्रार्थना करिए, वो संत आपके लिए पिता परमेश्वर से, प्रभु येसु से, पवित्र आत्मा से, माँ मरियम से विशेष आशीष कृपाएं आपके परिवार के लिए लेकर आएंगे। हाई हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, भले बुरे के पिता, सारी सृष्टि के पिता, हमारे सृष्टिकर्ता पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए। तेरे वचन में लिखा हुआ है यरमिया अध्याय 29 वाक्य 11 में, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं तुम्हारे हित के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमें बनाने वाले पिता, हमारे लिए योजनाएं बनाने वाले पिता, तेरी योजना को समझने और जानने की कृपा हमें दीजिए। विशेष करके वैवाहिक जीवन में तेरे सामने किए गए प्रतिज्ञा को निभाने के लिए हमें कृपा दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इस समय मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जिनका विवाह हो चुका है, कि अपने वैवाहिक जीवन को ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए कृपा दीजिए। और जिनका विवाह नहीं हुआ है और एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सही जीवन साथी प्रदान करना, ताकि उनका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन सुखमय हो, उनका परिवार स्वर्ग बने। इन वचनों को सुनने वाले एक एक छोटे भाई बहन को, बेटे बेटी को आशीर्वाद देना सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है।
प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है, प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है, प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है, प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है।